गोटाए सप्ताह पुणी नुआ किछि खबर एमिती खबर जहाँ विश्व पई चर्चार खोराक जगाई पुणी किछि नुआ खबर सृष्टि करिछि। परिवेश प्रदूषण जलवायु परिवर्तन किपरि विश्व पई एबे चिंतार कारण होइछि आपण माने जानंती। ता सहित संत्रांसवाद शरणार्थी समस्या देश देश मध्यरे कूटनैतिक संपर्क बिगिड़ीबा पुणी सही संपर्क आरंभ हेबार प्रयास एही सप्ताह रे पलटिछि विश्वर अन्यतम चर्चित खबर। एही पृथ्वी पृष्ठ रे सृष्टि होतिबा समस्यार समाधान पई जेमिति प्रयास जारी रहिछि सेमिति अनेक प्रयास मध्य चलाइछन्ति वैज्ञानिक। महाकाशकु यात्रा करी विश्व ब्रह्मांडर रहस्य जानिबार प्रयास एमिति चालिछि घटना दुर्घटनार दुनिया। नमस्कार, मु निहारिका स्वागत करुछि सारा दुनिया रो एही एपिसोड को। आसंतु देखिबा कोन रहिछि सारा दुनिया रो खबर भितरे। एबे से प्रसंगरु आरंभ करिबा खबर जहां सारा विश्वर नेतृवृंद को चिंता रे पकाइछि। जलवायु परिवर्तन आउ परिवेश प्रदूषण एथिपाई जातिसंघ तरफरु COP26 शिखर सम्मेलन भी अनुष्ठित होइछि। सबुठू चिंताजनक कथा हेला एबे कानाडा रे एमिति जणे रोगी चिन्हट होइछन्ति जहांकु जलवायु परिवर्तन जनित विश्वर प्रथम रोगी बोली कहा जाउछि। एहार अर्थ एबेठारु सचेतन नहेले आगकु मध्य एमिति अनेक रोगी चिन्हट हेबार आशंका सृष्टि होइछि। जलवायु परिवर्तनर शिकार हेले कानाडार जणे वृद्धा जलवायु द्वारा प्रभावित होता यह होंगे प्रथम महिला रोगी। निश्वास प्रश्वास कष्ट अनेक रोग से पीड़ित विश्व तापमात्रा रे वृद्धि आनीपे अनेक स्वास्थ्य समस्या जहाँ को चिंता प्रकट कले परिवेशविद। प्रकृति सह खेल एवं प्राकृतिक संसाधन अपव्यवहार ए दुईट जिनस प्रभाव भविष्य में कौन हम से नहीं परिवेशविद चिंता प्रकट करते यार प्रभाव मनुष्य उपर पड़ा देखा मिलला। कानाडार जड़े वृद्धा जलवायु परिवर्तन रे प्रभावित हो दुनिया प्रथम रोगी पलटि जाता कथा सामना को महिला जनक निश्वास प्रश्वास कष्ट अनुभव करने रोग से पीड़ित थी जमापड़ी। सूचना अनुजाई कानाडा एवं अमेरिका रे किसी भाग में चलित बर्ष रेकर्ड परिमाण लू प्रभावित होता जहाँफल शताधिक लोकों प्राण जा देखा मिली। ब्रिटिश कोलंबिया लु्रे 233 लोकों मृत्यु हो सारी तेबे एते लोकों मृत्यु जलवायु परिवर्तन जोगु होइतिबा कहिसेंति विशेषज्ञ। जलवायु परिवर्तन नै किछि मास पूर्वरु आसीथिबा इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज बा आईपीसीसी रो रिपोर्ट अनुजाई 1970 रु एबे जाय विश्व स्तर रे जेतिकि तापमात्रा वृद्धि पाइछि ता गत 2000 मसिया रे विगत 50 वर्ष तुलना रे अधिक रहिछि। विश्व तापमात्रा रे एभली वृद्धि सारा दुनिया रो ऋतु एवं जलवायु संबंधी अनेक परिवर्तन आनी रिपोर्ट रे एहा मध्य कुआ जाइछि जे एही जलवायु परिवर्तन केवल जीवन बा जीविका को प्रभावित करिवनि बरम अनेक स्वास्थ्य समस्या मध्य सृष्टि करिवो। ब्यूरो रिपोर्ट अर्गस न्यूज। एबे आसीबा परिवेश को नै आउ एक खबर आडकु आंठुए पानी रे ठिया होई जलवायु परिवर्तन संपर्क रे विश्वर दृष्टि आकर्षण। अक्टोबर 31 रु नवंबर 12 जाए स्कॉटलैंड ग्लासगोटारे अनुष्ठित हो जाइछि जलवायु संपर्कित जातिसंघर शिखर सम्मेलनी COP26। एही सम्मेलनी रे विश्वर पाखापाखी 200 देश भाग नहीं तेबे सम्मेलनी रे भाग नहीं थिबा एक क्षुद्र द्वीपदेश तुभाल को नहीं एबे बेस चर्चा। तुभालु हेउछि एक द्वीपदेश जहाँ जलवायु परिवर्तन जोगु संपूर्ण बुड़ी जिवार आशंका सृष्टि होइछि। आंठुए पानी रे ठिया होई भाषण एक क्षुद्र द्वीप देश तुभाल को नहीं एबे बेस चर्चा। COP26 जलवायु सम्मेलन रे विश्व समुदाय दृष्टि आकर्षण कले तुभालुर नेता आंठुए पानी रे ठिया होई जणैले निज द्वीप देशर विपत्ति। एबे थारु सचेतन नहेले आगकु समुद्र रे बुड़ी जिवे विश्वर विभिन्न छोटिया द्वीप देश। अक्टोबर 31 रु नवंबर 12 जाए स्कॉटलैंड रा ग्लास्को ठारे अनुष्ठित होइछि जलवायु संपर्कित जातिसंघर शिखर सम्मेलनी COP26। भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत अनेक विश्व नेता सम्मेलनी रे भाग नहीं निज निजर मत रखिथिबा बेले विश्वर क्षुद्र देशर मुख्यमाने मध्य एथिरे परिवेश सुरक्षा
एवं जलवायु परिवर्तन मुकाबला पाई निज देशर पदक्षेप बाबद कार्यपंथा घोषणा करिछन्ति। एही सम्मेलनी रे विश्वर पाखापाखि 200 देश भाग नहीं जमापड़ तेरे सम्मेलनी रे भाग नहीं एक क्षुद्र द्वीप देश तुभाल को नहीं एवं बेस चर्चा। एही देश तरफ प्रतिनिधित्व करिथिबा एहार वैदेशिक मंत्री साइमन कोफे एक अभिनव उपाय रे जलवायु परिवर्तन संपर्क रे निजर भाषण रखिछन्ति। समुद्र रे आंठुए पानी रे ठिया होई भाषण माध्यम रे परिवेश एवं जलवायु परिवर्तन संपर्क रे विश्व समुदाय को अति शक्तिशाली बार्ता देइछन्ति साइमन काफे। निज भाषण रो से वीडियो रिकॉर्डिंग करी COP26 सम्मेलन रे प्रदर्शित करथिले। तांको देश तुभालु परी क्षुद्र द्वीप देशगुड़िक किपरि जलवायु परिवर्तन जोगु अन्य देश अपेक्षा बेसी विपदर सम्मुखीन होउछन्ती, समुद्रर जलस्तर बढ़िले किपरि तांक द्वीप पानी रे बुड़िजबार आशंका रहिछि से बाबदरे अति मार्मिक भावरे वर्णना करि सम्मेलनी रे अन्य मानकर दृष्टि आकर्षण करथिले। एहा सहित कम जनसंख्या हेले भी तांक द्वीप तुभालु किपरि से दिगरे पदक्षेप नेउछि ताहा मध्य प्रकाश करथिले साइमन। तुभालु हेउछि प्रशांत महासागर रे ऑस्ट्रेलिया एवं हवाई द्वीपपुंज मध्ये अवस्थित एक अति क्षुद्र द्वीप जहाँ एक स्वतंत्र राष्ट्रर मान्यता मिलिछे। एहार जनसंख्या 11,000 सामान्य अधिक। एहा एबे ब्रिटिश कॉमनवेल्थ नेशन सहयोग रे शासित हेउछि। जलवायु परिवर्तन जोगु 1993 मसीहारु एठारे जलस्तर प्रत्येक वर्ष 0.5 सेंटीमीटर बढ़िबार लागिछे। एहा अत्यंत चिंताजनक। एपरिक साइमन तांको दीपर जो जगह ठिया होई भाषण वीडियो बनई ताहा दिने सुखिला भूमि थिला, मात्र एबे आंठुए पानी रे बुड़ी रही। आग को केवल तुभालु नुहे से ही अन्य द्वीपगुड़िक बुड़जार आशंका रही विश्व समुदाय को जनवाई सेपरी अभिनय उपाय भाषण देते साइमन। ब्यूरो रिपोर्ट अर्गस न्यूज। विराट विश्वर विभिन्न अंश को प्रत्येक भाव में देखिबार जानिबार एवं ज्ञान अर्जन करिबार एक बड़ माध्यम हेउछि टेलीस्कोप बा दूरवीक्षण यंत्र। गैलिलियो समय आज जाए अनेक शक्तिशाली टेलीस्कोप आमको दूर जगत को चिन्हैबार साहाज्य करि आछन्ति। तेबे खूब निकट में लॉन्च हेबाकु जाउछि हबल टेलीस्कोप रो उत्तराधिकारी जहार नाँ रही जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। विश्व ब्रह्मांडर अनेक अजणा रहस्य उन्मोचन करिब एही टेलीस्कोप। एणिकी विश्व ब्रह्मांड को चिन्हिबा हेबो बेस सहज। खूब शीघ्र महाकाश को जीव जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। हबल स्पेस टेलीस्कोप रो उत्तराधिकारी साजिब जेम्स वेब। नियुत नियुत आलोक वर्ष दूर रे थिबा वस्तु को जानिबारे मिलिबो सफलता। उन्मोचित हेब विश्व ब्रह्मांडर अनेक अजणा रहस्य। विराट विश्वर विभिन्न अंश को प्रत्यक्ष भाव में देखिबार जानिबार एवं ज्ञान अर्जन करिबार एक बड़ माध्यम हेउछि टेलीस्कोप बा दूरवीक्षण यंत्र। गैलिलियो समय आज जाए अनेक शक्तिशाली टेलीस्कोप आमको दूर जगत को चिन्हैबारे साहाज्य करि आसुछन्ति। एबे भी हबल स्पेस टेलीस्कोप महाकाश रे रही आमको विश्व ब्रह्मांड बाबद देउछि अनेक फटोचित्र एवं सूचना। तेबे खूब निकट में लॉन्च हेबाकु जाउछि हबल टेलीस्कोप रो उत्तराधिकारी जहार नाँ रही जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। 18 बिलियन अमेरिकी डॉलर रे विकसित होइथिबा एई अत्याधुनिक टेलीस्कोप को आरियाने रॉकेट जोगे आसंता डिसेंबर 18 तारीख दिन फ्रेंच गुयेनारु महाकाश को प्रेरण कराजिबो। एही अति शक्तिशाली टेलीस्कोप को अमेरिकी महाकाश गवेषणा संस्था नासा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी एवं कानाडियन स्पेस एजेंसी द्वारा प्रस्तुत करा जाय छे। एहाकु महाकाशर कक्षपथरे अवस्थापित कराजिबो जहाँकु एक फ्लैगशिप प्रोग्राम बोली कहा जाउ छे। एहा हेबो एजाय प्रस्तुत होइतबा सबुटु अत्याधुनिक टेलीस्कोप जहाँकु सुपर टेलीस्कोप रो नाँ दिया जाय छे। जेम्स वेब सुपर टेलीस्कोप रे रही एक विराट प्राइमरी ग्लास बा लेंस। एथिरे 18 सुना लागिथिबा बेले अनेक 6 कोणिया लेंस लागिछे। एहा द्वारा दूर ब्रह्मांडर अति सूक्ष्म जिनिसकु बड़ भावरे देखिहेबो। तेबे दूर जिनिस चिन्हिबा पई इन्फ्रारेड आलोक व्यवहार पई व्यवस्था रही। ता सहित रही आहुरी अनेक अत्याधुनिक सुविधा। एही टेलीस्कोप रो सबुटु खास कथा हैला
ଏହାଦ୍ୱାରା 10 ରୁ 15 ନିୟୁତ ଆଲୋକ ବର୍ଷ ଦୂରରେ ଥିବା ମହାକାଶୀୟ ବସ୍ତୁକୁ ଦେଖିହେବ ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ବିସ୍ତାରିତ ହେବା ସହିତ ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ ସବୁ ଘଟିଥିଲା ତାହା ମଧ୍ୟ ଜାଣିବା ସହଜ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏହାଫଳରେ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ସୃଷ୍ଟିକାଳରେ କ'ଣ ସବୁ ଘଟିଯାଇଛି ତାର ରହସ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଭେଦ କରିବା ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ଭବ ହେବ। ଏବେ ଜେମ୍ସ ୱେବ୍ ସୁପର ଟେଲିସ୍କୋପର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶକୁ ଯୋଡ଼ିବା ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଛନ୍ତି ବୈଜ୍ଞାନିକ। ଏହାକୁ ରକେଟ୍ ଯୋଗେ ମହାକାଶକୁ ପଠାଯିବାର ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସରିଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଏବେ ସମୟ ଏକ ଛୋଟ ବ୍ରେକ୍ର। ମହାକାଶ ବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଉ ଏକ ଖବର। ଭାରତ ବଂଶଜ ରାଜା 4 ମହାକାଶ ଯାତ୍ରା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତ ପାଇଁ ଆଣିଛନ୍ତି ଗୌରବ। ଆମେରିକୀୟ ମହାକାଶ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ଏଲନ୍ ମସ୍କ ଏବଂ ଆମେରିକୀୟ ମହାକାଶ ଗବେଷଣା ସଂସ୍ଥା ନାସାର ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ ମହାକାଶକୁ ଯାତ୍ରା କରିଛନ୍ତି 4 ଜଣ ମହାକାଶ ଯାତ୍ରୀ। ସେମାନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇ ମହାକାଶକୁ ବାଟ କଢ଼େଇ ନେଇଛନ୍ତି ଭାରତ ବଂଶଜ ରାଜା 4। ମହାକାଶକୁ ବାଟ କଢ଼େଇ ନେଲେ ଭାରତୀୟ ବଂଶଜ ମହାକାଶଚାରୀ ରାଜା 4 ଆଣିଲେ ଭାରତ ପାଇଁ ଗୌରବ। ଚତୁର୍ଥ ଭାରତ ବଂଶଜ ଭାବରେ ମହାକାଶ ଯାତ୍ରା କଲେ ରାଜା 4। ସମ୍ଭାଳୁଛନ୍ତି ମିଶନର କମାଣ୍ଡର ଦାୟିତ୍ୱ। ଆମେରିକୀୟ ମହାକାଶ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ଏଲନ୍ ମସ୍କ ଏବଂ ଆମେରିକୀୟ ମହାକାଶ ଗବେଷଣା ସଂସ୍ଥା ନାସାର ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ ମହାକାଶକୁ ଯାତ୍ରା କରିଛନ୍ତି 4 ଜଣ ମହାକାଶଯାତ୍ରୀ। ତେବେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ସେମାନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇ ମହାକାଶକୁ ବାଟ କଢ଼େଇ ନେଇଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ବଂଶଜ ମହାକାଶଚାରୀ ରାଜା 4। ବୁଧବାର ଦିନ ସ୍ଥାନୀୟ ସମୟ ରାତି 9:03 ଫ୍ଲୋରିଡ଼ା କେପ୍ କାନଭେରାଲ୍ଠାରେ ଥିବା କେନେଡି ସ୍ପେସ୍ ସେଣ୍ଟରରୁ ମହାକାଶ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ମହାକାଶ ଯାତ୍ରୀଟି, ଯାହାର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ ରାଜା 4। ପୃଥିବୀର କକ୍ଷପଥରେ ଘୂରିବା ପରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ମହାକାଶ କେନ୍ଦ୍ର ବା ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ସ୍ପେସ୍ ଷ୍ଟେସନରେ। ଏହା ହେଉଛି ଏଲନ୍ ମସ୍କଙ୍କ ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀ ସ୍ପେସ୍ ଏକ୍ସ ଏବଂ ନାସାର ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ ତୃତୀୟ କମର୍ସିଆଲ୍ କ୍ରିଉ ରୋଟେସନ୍ ମିଶନ। ସାମାନ୍ୟ ଅସୁବିଧା ସତ୍ତ୍ୱେ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଆଉ 2 ମିଶନ ସଫଳତାର ସହ ଶେଷ ହୋଇଛି। ସ୍ପେସ୍ ଏକ୍ସର ଫାଲକନ୍ ରକେଟ୍ ଦ୍ୱାରା ଉତ୍କ୍ଷେପଣ ହୋଇଛି ମହାକାଶ ଯାନ, ଯାହାର ନାଁ ରହିଛି ଡ୍ରାଗନ୍ ଏଣ୍ଡୁରାନସ୍ ସ୍ପେସ୍ କ୍ରାଫ୍ଟ। ଭାରତ ବଂଶଜ ରାଜା 4ଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏଥିରେ ଯାତ୍ରା କରିଛନ୍ତି ନାସାର ଆଷ୍ଟ୍ରୋନଟ୍ ଟମ୍ ମାର୍ସ ବର୍ଣ୍ଣ, କାଇଲା ବୋରନ୍ ଏବଂ ୟୁରୋପିଆନ୍ ସ୍ପେସ୍ ଏଜେନ୍ସିର ମାଥିଆସ୍ ମାରୁ। ମହାକାଶ କେନ୍ଦ୍ରରେ 6 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେବାକୁ ଥିବା ଏକ ସାଇନ୍ସ ମିଶନର ଅଂଶୀଦାର ହେଉଛନ୍ତି ଏହି 4 ଜଣ ମହାକାଶଚାରୀ। ଭାରତ ବଂଶଜ ରାଜା 4 ହେଉଛନ୍ତି ଉଭୟ ଡ୍ରାଗନ୍ ସ୍ପେସ୍ କ୍ରାଫ୍ଟ ଏବଂ କ୍ରିଉ 3 ମିଶନର କମାଣ୍ଡର। ଲଞ୍ଚ କରିବାଠାରୁ ମହାକାଶ ଯାତ୍ରା କରିବା, ମହାକାଶ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଗବେଷଣା କରିବା ଏବଂ ସେଠୁ ପୁଣି ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକୁ ଫେରିଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ କାମ ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ପରିଚାଳିତ ହେବ। ଏହା ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବୈଷୟିକ କାମ ମଧ୍ୟ ତୁଲାଇବେ ରାଜା 4। ତେବେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଏହା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ମହାକାଶ ଯାତ୍ରା। ଏଥିପାଇଁ ଅନେକ ଆଶାୟୀ ପ୍ରତିଯୋଗୀଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ ଦେଇଥିଲେ ରାଜା 4। 2017 ସେ ବିଭିନ୍ନ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ ନାସା ପାଇଁ ମନୋନୀତ ହୋଇଥିଲେ। ତେଲେଙ୍ଗାନା ରାଜ୍ୟର ମୂଳ ବାସିନ୍ଦା ହେଉଛନ୍ତି ରାଜା 4ଙ୍କ ବାପା ଶ୍ରୀନିବାସ 4, ଯିଏ ଜଣେ ଆମେରିକୀୟ ମହିଳାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ଆମେରିକାରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିବା ରାଜା ସେଠାରେ ଏବେ ଏୟାରଫୋର୍ସର କଲୋନେଲ୍ ପଦବୀରେ ଅବସ୍ଥାପିତ। ବିଭିନ୍ନ ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ ଉଡ଼ାଇବାର ଅଭିଜ୍ଞତା ଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ସ୍ପେସ୍ ମିଶନ ପାଇଁ ବଛାଯାଇଛି। ସ୍ୱର୍ଗତ କଳ୍ପନା ଚାୱଲା, ସୁନିତା ୱିଲିୟମ୍ ଏବଂ ଶିରିସା ବାନ୍ଦଲଙ୍କ ପରେ ରାଜା 4 ଭାରତ ବଂଶଜ ଭାବରେ ଦେଶ ପାଇଁ ସୁନାମ ଆଣିଛନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ନଭେମ୍ବର 10 ଦିନ ଭାରତ ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିବା ଏନ୍ଏସ୍ଏ ସ୍ତରୀୟ ବୈଠକକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛି ତାଲିବାନ। ଏସୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭାରତ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଶ। ଭାରତ ସହିତ ଉତ୍ତମ କୂଟନୈତିକ ସମ୍ପର୍କ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ତାଲିବାନ ଆଗ୍ରହୀ। ତେଣୁ ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ଶାନ୍ତି ଓ ସ୍ଥିରତା ଆଣିବା ପାଇଁ ଭାରତ କରୁଥିବା ଉଦ୍ୟମ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ତାଲିବାନର ସୂଚନା ମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ମୁଖପାତ୍ର ଜୁବେଉଲ୍ଲା ମୁଜାହିଦ। ଭାରତ ଏସୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଶ। ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ସହ ଉତ୍ତମ କୂଟନୈତିକ ସମ୍ପର୍କ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଚାହେଁ ତାଲିବାନ। 7 ଏସୀୟ ଦେଶ ସହ ଭାରତର ଏନ୍ଏସି ସ୍ତରୀୟ ବୈଠକକୁ ତାଲିବାନର ସ୍ୱାଗତ। ଭାରତ ଉଦ୍ୟମରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ଶାନ୍ତି ଓ ସ୍ଥିରତା ଫେରିବାର ଆଶା। ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ମାଟି ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶ ବିରୋଧରେ ବ୍ୟବହାର ନ୍ୟାୟ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦୋହରାଇଲା ତାଲିବାନ।
नवेम्बर 10 तारीख दिन भारत द्वारा आयोजित होता एनएसए स्तरीय बैठक को स्वागत करिछि तालिबान। एशिय अंचल रे भारत एक गुरुत्वपूर्ण देश, भारत सहित उत्तम कूटनैतिक संपर्क रक्षा करने को तालिबान आग्रही, तेणु अफगानिस्तान में शांति और स्थिरता आणवाई भारत करुवा उद्यम स्वागत योग्य तालिबान सूचना मंत्री तथा मुखपात्र जुबिउल्ला मुजाहिद। नवेम्बर 10 तारीख दिन भारत उद्यम दिल्ली में अनुष्ठित होता सात देश एनएससी स्तरीय बैठक जो प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जोग देवास सभापतित्व करते एनएससी मुख्य अजित डोभाल। ईरान, रूसिया, कजाकस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और ताजिकिस्तान एनएसर मुख्य माने जोगदे अफगानिस्तान में शांति और स्थिरता फेरई आने दिग्गर निजर दायित्व संपर्क में आलोचना करते। तेज चीन और पाकिस्तान को निमंत्रण करोगदे नपरिक नवेम्बर 11 पाकिस्तान और चीन समांतर भाव में आउ एक बैठक आयोजन करते। अफगान मामलें भारत निरपदस्टा साजिब ना और अफगानिस्तान परिस्थिति को जपरी कौन आतंकवादी गोष्ठी फायदा उठाई भारतीय उपमहादेश विशृंखला सृष्टि करें से दिगरे आयोजित बैठक आलोचना होता। यह सहित किपर से शांति और स्थिरता फेर और मानविक अधिकार दृष्टि अफगानिस्तान नागरिक को किभली सहयोग हाथ बढ़े से बाबद आलोचना होता। अफगानिस्तान परिस्थिति नहीं भारत तृतीय आनुष्ठानिक उद्यम। यहपर भारत एक बैठक तथा तो उद्यम को स्वागत करछि तालिबान। भारत एशिया अंचल एक गुरुत्वपूर्ण देश, आम भारत सरकार उत्तम कूटनैतिक संपर्क रक्षा करने को चाहूँ। तालिबान भारत सहयोग चाहे जदिओ भारत द्वारा आयोजित बैठक में अफगानिस्तान उपस्थित नाला तेरे सेठे निश्चय अफगानिस्तान भलपाई भाग नहीं देश मैंने निष्पत्ति अफगानिस्तान मटी को कौन देश विरोध में व्यवहार करने को दिजिव ना पुणि थर निजर प्रतिश्रुति दोहर यार मुखपात्र जुबिउल्ला मुजाहिद। केवल तालिबान रे मुखपात्र नुहंती अन्यतम मुखपात्र सुहेल शाहीन भारत उद्यम को स्वागत करछंती। भारत सहयोग रे अफगानिस्तान रे शांति और स्थिरता फेरिबा सह भारत खूब शीघ्र सेठारे बंद हो रहिथिबा अर्थनैतिक प्रकल्प आरंभ करिवो बोली आशा करछंती। ब्युरो रिपोर्ट अर्गस न्यूज। बेलारूस पोलैंड सीमा रे मानवीय संकट, सीमा रे लागिछि मध्य प्राच्य आफ्रिके शरणार्थीक भीड़, यूरोपियन संघ रे थिबा देशगुड़ी को प्रवेश उद्यम करुछंती शरणार्थी, सेमानंको रोकिबा पई तार बड़ा लगाई अनुप्रवेश रोकुची बेलारूस। तेबे एही परिस्थिति सहित शीत और खाद्य अभाव आगो को सेमानंको पई घोर विपद डाकि आनिबो बोली कह जायछि, एति पई चिंता व्यक्त करिछंती मानवाधिकार कर्मी। बेलारूस पोलैंड सीमा रे मानवीय संकट, सीमारे मध्य प्राच्य और आफ्रिकार शरणार्थी भिड़, यूरोपियन संघ देश को प्रवेश उद्यम तार बाड़ लगाई अनुप्रवेश रोकी बेलारूस, शीत खाद्य अभाव डाकि आणव विपद। बेलारूस और पोलैंड सीमारे उत्कट स्थिति सृष्टि होई, मध्य प्राच्य और आफ्रिकार बहु संख्यार प्रवासी शरणार्थी बेलारूस आसी सेठारु पोलैंड दे यूरोपियन संघ को प्रवेश करने को चाहती, पोलैंड रे प्रवेश लगी बाधा देउछंती पोलैंड रो पुलिस और सेना। गत किछि दिन धरी हजार हजार संख्या रे प्रवासी और शरणार्थी पोलैंड भीतर को प्रवेश करने को उद्यम अब्याहत रखिछंती, पोलैंड प्रशासन एमानन को प्रवेश पाई अनुमति देउनथिबा बेले सीमांत रे तार बाड़ लगाई प्रवेश उपरे कटकणा लगाइछि। सेपटे एपरी अनुप्रवेशकारी संख्या उद्वेगजनक भाव में बढ़ी चली थी, सीमारे मानवीय संकट सृष्टि खोला आकाश तले प्रबल थंडा परिवेश रे खाद्य पानी बिना आउटपाउट होउछंती हजार हजार शरणार्थी, सेठारे प्राय 12,000 सैन्य मृतायन रही। सहित बेलारूस को टार्गेट करिछंती पोलैंड सरकार, कहिछंती शत्रुतापूर्ण आचरण एवं गतिविधि पई एसबु करा जाउछि, प्रवासी मानंकु सीमा पार करा जिबाकु प्रयास करा जाउछि। पोलैंड सरकार कहिबा मुताबक गत किछि दिन मध्यरे बेलारूस रु अवैध भाबरे प्रवासी माने प्रवेश करिवारे लागिछंती, सीमांतरु प्रवासी तथा शरणार्थी को घोडाइबा पई पोलैंड को समालोचना करा जाइछि, एपरिकि प्रवासी को अटकाइबा पई सीमारे सेना मध्ये मृत्यन करा जाइछि, जहाकु नै विश्वर विभिन्न मानविक अधिकार संघ चिंता व्यक्त करिछंती। ब्यूरो रिपोर्ट अर्गस न्यूज।
ଦକ୍ଷିଣ ଆମେରିକାର ଦେଶ ଚିଲି ନିଜର ସୁନ୍ଦର ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ପାଇଁ ବେଶ୍ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ଏହି ଦେଶରେ 20,000 ଫୁଟରୁ ଉଚ୍ଚ 22ଟି ପାହାଡ଼ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ସେହି ଚିଲିର ଏକ ମରୁଭୂମିରେ ଏକ ପାହାଡ଼ ଅଛି ଯାହା କପଡ଼ା ଏବଂ ଜୋତାରେ ଗଢ଼ି ଉଠିଛି। କପଡ଼ା ଓ ଜୋତାର ପାହାଡ଼ ତିଆରି ହେବା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଘଟଣା। ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଥିବ, ଏହା କିପରି ସମ୍ଭବ? ଫ୍ୟାସନ ପାଇଁ ବଢ଼ିଲା ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣ। ଚିଲିରେ ଗଢ଼ି ଉଠିଛି କପଡ଼ା ଓ ଜୋତାର ପାହାଡ଼। କପଡ଼ାର ପାହାଡ଼ ଜଳବାୟୁକୁ କରୁଛି ପ୍ରଦୂଷଣ, ଚିନ୍ତାରେ ପକାଇଛି ମେଡ୍ ଇନ୍ ଚାଇନା ପୋଷାକ। ଦକ୍ଷିଣ ଆମେରିକାର ଦେଶ ଚିଲି ନିଜର ସୁନ୍ଦର ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ପାଇଁ ଜଣାଯାଇଥାଏ। ଏହି ଦେଶରେ 20,000 ଫୁଟରୁ ଉଚ୍ଚ 22ଟି ପାହାଡ଼ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଚିଲିର ଏଟକାମା ମରୁଭୂମିରେ ଏମିତି ଏକ ପାହାଡ଼ ଅଛି ଯାହା କପଡ଼ା ଏବଂ ଜୋତାରେ ଗଢ଼ି ଉଠିଛି। ଏହି ପାହାଡ଼ରେ କ୍ରିସମାସର ସ୍ୱେଟରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସ୍କି ବୁଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆବର୍ଜନା ହୋଇ ଗଦା ହୋଇଛି। ଏଠାରେ ଫିଙ୍ଗି ଦିଆଯାଉଥିବା କପଡ଼ାରୁ ବର୍ଷକୁ ଅତି କମ୍ରେ 39,000 ଟନ୍ ଆବର୍ଜନା ବାହାରୁଛି। ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବଢ଼ି ଚାଲିଥିବା ଫ୍ୟାସନ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି କାରଣରୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ମାତ୍ରା ବି ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। କପଡ଼ା ଗଦାକୁ ଖୋଲାରେ ଛାଡ଼ିବା ଏବଂ ମାଟି ତଳେ ପୋତି ଦେବା ଫଳରେ ପରିବେଶକୁ ମଧ୍ୟ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚୁଛି। ଏଥିରୁ ବାହାରୁଥିବା କେମିକାଲ ମାଟି ତଳ ପାଣିରେ ମିଶି ପରିବେଶକୁ ଦୂଷିତ କରୁଛି। ଚିଲି ଅତୀତରୁ ହିଁ ପୁରୁଣା ତଥା ବିକ୍ରି ହୋଇନଥିବା କପଡ଼ାର ହବ୍ ରହିଆସିଛି। ଏହି କପଡ଼ା ସବୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଚୀନ ଏବଂ ବାଂଲାଦେଶରେ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ। ଉତ୍ତର ଚିଲିର ଅଲ୍ଟୋ ହୋସ୍ପିସିଓ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଇକ୍ୱିକ୍ ବନ୍ଦରକୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ପାଖାପାଖି 69,000 ଟନ୍ କପଡ଼ା ଆସିଥାଏ, ଯେଉଁଠି ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଏହି କପଡ଼ାଗୁଡ଼ିକୁ କିଣିଥାନ୍ତି। ଏଠାରୁ ସୀମାପାର ଅନେକ ଲାଟିନ୍ ଆମେରିକୀୟ ଦେଶମାନଙ୍କୁ କପଡ଼ାର ଚୋରା ଚାଲାଣ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥାଏ। ତେବେ ଦେଶର କିଛି ଗରିବ ଲୋକ ଏହି କପଡ଼ା ପାହାଡ଼ ନିକଟକୁ ଆସି ନିଜ ପାଇଁ ଏବଂ ନିଜ ପରିବାର ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ କପଡ଼ାଗୁଡ଼ିକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିଥାନ୍ତି। ସେହିପରି କିଛି ଲୋକ ବିକ୍ରି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଏଠାକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। 3,00,000 ଜନସଂଖ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଗରିବ ଲୋକମାନେ ନିଜର ମୌଳିକ ତଥା ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଜିନିଷ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଏହି ଆବର୍ଜନା ଗଦା ନିକଟକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ଆଉ ଚିଲିରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଏତେ କପଡ଼ା ଆସିଥାଏ ଯେ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଏହାକୁ ବିକ୍ରି କରିବାର ଆଶା ରଖିପାରିନଥାନ୍ତି। ତେବେ ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଚିଲିର ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିବା କପଡ଼ାର ପାହାଡ଼ ପରିବେଶବିତ୍ଙ୍କ ପାଇଁ ବଢ଼ାଇଛି ଚିନ୍ତା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଆଜି ସାରା ଦୁନିଆରେ ଆପଣମାନେ ଅନେକ ଖବର ଦେଖିଲେ। ଆହୁରି କିଛି ନୂଆ ଖବର ସହିତ ମୁଁ ଆସିବି ପୁଣି ଥରେ ଆଉ ଏକ ଏପିସୋଡ଼ରେ। ସେତେବେଳେ ଯାଏ ଏଇଠି ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।